हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अमोल पेज। जल्दी जल्दी से सब लोग ज्वाइन कर लीजिए ताकि हम अपना लाइव स्टार्ट कर सकें। हेलो एवरीवन, हेलो फ्रेंड्स, जिन लोगों ने ज्वाइन कर लिया है हाय हेलो का रिप्लाई कर दीजिए जिससे पता चले कि सब क्लियर है। कैसे हैं सब लोग? जो जो लाइव में जुड़ता जा रहा है वो लोग शेयर करते जाइए इस वीडियो को, तो हम मेंबर्स और ज्वाइन होते जाएं तो हम लोग अपना लाइव शेयर कर स्टार्ट करें। और आज आपके लिए लेके आए बहुत ही अच्छा डिनर के लिए, जो बहुत जल्दी बनेगी, शाही ग्रेवी है। बहुत डिलीशियस बनेगी, डेफिनेटली आप लोगों को अच्छी लगेगी। तो शुरू करते हैं हम। उससे पहले थैंक्स कहेंगे दीपा मैम का, अभिषेक सर का, जिन्होंने इतना अच्छा मौका दिया हम लाइव करने के लिए। चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपना रेसिपी बनाना। और आप लोग को आवाज क्लियर है, विजिबल है, तो प्लीज आप लोग एक बार कमेंट कर दीजिए। अपने सभी फूडी फ्रेंड को टैग कर दीजिए जिससे सब लोग ज्वाइन कर लें। चलिए हम 5 मिनट वेट करते हैं। जल्दी जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए और शेयर करते रहिए। आज हम जो रेसिपी लेके आए हैं उसका नाम है जाफरानी कोफ्ता। जाफरानी कोफ्ता, कोफ्ते तो हम लोगों ने बहुत खाए हैं, मुगलई शाही कोफ्ता, मलाई कोफ्ता, लौकी के कोफ्ते, आलू के कोफ्ते। और आज जो लेके आए हैं उसके नाम से ही पता चल रहा होगा कुछ डिफरेंट है, और सच में डिफरेंट है। आप लोग इसको जरूर ट्राई करिएगा, आपको बहुत अच्छी लगेगी। चलिए देखते इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। ग्रेवी बनाने के लिए, पहले कोफ्ते के लिए देखते हैं। कोफ्ते के लिए हमें चाहिए होगा पनीर, क्रम्बल करके रखा है, खोआ, चॉप ड्राई फ्रूट्स हैं, और ब्रेड क्रम्ब, कॉर्नफ्लोर,
और हमारे पास बॉईल किया हुआ आलू। तो बहुत कम सामान से लेकिन बहुत ही टेस्टी रेसिपी बनेगी। ये हमारे कोफ्ते के लिए और ग्रेवी के लिए हमको चाहिए प्याज, हरी मिर्च, टमाटर, लहसुन, जिंजर गार्लिक पेस्ट भी ले सकते हैं और केसर वाला दूध। मीन्स जाफरानी कोफ्ता का मतलब होता है सैफरन, जिस रेसिपी में यूज होती है उसको जाफरानी कोफ्ता कहते हैं। जाफरानी पुलाव बनता है और ऐसे बहुत सारी डिशेस हैं जो इसमें बनाई जाती हैं। तो जाफरानी में मेन यूज सैफरन का रहता है, ड्राई फ्रूट का रहता है, इसमें थोड़ी सी शुगर भी रहती है, तो इसका टेस्ट, ये माइल्ड फ्लेवर रहता है, इसीलिए इसका टेस्ट थोड़ा स्वीट में भी आता है, जैसे हम लोग का मलाई कोफ्ता बनता है वैसी रहेगा। चलिए हम लोग शुरू करें। रीना महावंशी मैम हाय, अर्पिता शाह मैम हाय, हेलो। हेलो अर्पिता जी, हेलो रीना जी। ये देखिए हमने बॉयल पोटैटो को हमने ग्रेट कर लिया है, आप लोग मैश भी कर सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे, ये हमने दो बॉयल पोटैटो लिए हैं, अब इसमें हम डालेंगे पनीर। सिंपल होममेड रेसिपीज अमोल। यस, अब इसमें हम डालेंगे खोआ, थोड़ा सा खोआ हमें ग्रेवी के लिए भी चाहिए। इसमें जाएगी शुगर, सॉल्ट एज पर टेस्ट, अब इसमें जाएगा ब्लैक पेपर पाउडर, और हरी धनिया बारीक कटी, इसमें हम डालेंगे केसर के स्ट्रैंड, जो भी ज्वाइन होता जा रहा है प्लीज हाय हेलो का रिप्लाई करते रहिए। अब इसको हम अच्छे से मैश कर लेते हैं। अर्चना भार्गव मैम हेलो, हेलो अर्चना जी। अब इसमें हम डालेंगे ब्रेड क्रम्स, ये बाइंडिंग के लिए रहेगा। क्या बना रही हो? आज हम बना रहे हैं जाफरानी कोफ्ता। थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर, कॉर्नफ्लोर थोड़ा हम बाइंडिंग के अकॉर्डिंग डालेंगे। अब इसको सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए इसमें कोई भी मसाले नहीं गए हैं, सिर्फ नमक और काली मिर्च है। रचना जैन मैम कह रही है हाय। हेलो रचना जी। पिंकी जैन मैम कह रही है हाय। हेलो पिंकी जी। इसमें थोड़ी सी ग्रीन चिली डाल देते हैं। पिंकी जैन मैम कह रही है हाउ आर यू शेफ मुक्ता जी। वेरी गुड, आप कैसे हैं? अल्पना रंजन मैम कह रही है आप क्या बना रहे हो? आज हम बना रहे हैं जाफरानी कोफ्ता, ये मुगलाई डिश है। गैस हम तेल गरम करने रख देते हैं, जब तक ये अच्छे से मैश कर लेंगे और इसके हम बॉल्स रेडी कर लेंगे। फ्रेंड्स ड्राई फ्रूट्स भी डालना है तो ड्राई फ्रूट्स भी डाल देंगे। अल्पना रंजन मैम कह रही वाओ, थैंक यू। ड्राई फ्रूट्स में आप कुछ भी ले सकते हैं, काजू बादाम, हमने सिर्फ काजू लिए, उससे अच्छा टेस्ट आता है, क्रंच आता है थोड़ा सा। इसके छोटे छोटे बॉल,
पिंकी जैन मैम कह रही है समथिंग न्यू। यस, इसका आप विदाउट अनियन गार्लिक भी बना सकते हैं। और इसको और अच्छा लुक देने के लिए इसमें आप थोड़ा सा केवड़ा एसेंस जरूर डाल लीजिएगा। एक्चुअली मेरे यहाँ खाते नहीं इसीलिए हम ऐड नहीं कर रहे हैं, अदरवाइज डालिएगा बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। आप लोग भी बताइए आप लोग को कौन सा कोफ्ता सबसे अच्छा लगता है शाही डिशेस में। ये देखिए ये अब हमारा रेडी हो गया। अब हम एक कॉर्नफ्लोर का स्लरी तैयार करेंगे। आई होप आप लोग को रेसिपी अच्छी लग रही होगी, और अच्छी लग रही है तो इसको जरूर ट्राई करिएगा और हमें टैग करके बताइएगा। इसमें हमें पतली ही स्लरी बनानी है, तो एक टेबलस्पून इनफ है। अमूल का कौन सा प्रोडक्ट आपका सबसे फेवरेट है कमेंट करके जरूर बताइए। देखिए कढ़ाई गर्म हो गई है, इसमें थोड़ा सा हम सॉल्ट डाल देते हैं, और आप चाहें तो इसमें थोड़ा फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं जिससे इसमें अच्छी लुक आएगा इसका। एक हम लोग पहले देख लेते हैं कैसा निकलता है। फिर देखते हैं टूटेगा कि नहीं टूटता, परफेक्ट बाइंडिंग है कि नहीं। प्लीज शेयर द मेजरमेंट ऑफ द इंग्रेडिएंट यूज। डेफिनेटली हम अभी कम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब डाल देंगे, कमेंट में डाल देंगे। इसमें आप कोफ्ते के अकॉर्डिंग हमें एक कप ले लीजिए। आप एक कप बॉइल्ड पोटैटो ले लीजिए, एक कप पनीर, और खोआ आधा कप। ड्राई फ्रूट्स तो आपके चॉइस के अकॉर्डिंग है, नमक है, केसर है, बाकी सब आपके चॉइस के अकॉर्डिंग जाएगा इसमें। रेसिपी में अभी तक क्या क्या किए? अभी हमने सिर्फ कोफ्ता बनाया है। कोफ्ते के लिए हमने एक बाउल में बॉइल्ड मैश पोटैटो, पनीर, खोआ, और सिर्फ नमक और काली मिर्च डाली है, हरी धनिया, हरी मिर्च, और थोड़ा सा केसर, शुगर, ये सब डाल के हम तैयार कर लेंगे। बाइंडिंग के लिए इसमें हम ब्रेड क्रम्स और कॉर्नफ्लोर डालेंगे। बहुत स्वीट मैम, सर जुड़ी गए, बस थैंक यू। कढ़ाई तेज हो गई अभी सर, इसको स्लो पे ही करेंगे। स्टार्टिंग में थोड़ा तेज रखिएगा, मीडियम टू हाई फ्लेम पे।
नमाज सही है, अपन सारे याद कर लेते हैं इसी तरह। गैस तेज थी, बंद कर दी, अभी इतने में हमारे रेडी हो जाएंगे वाले। बहुत जल्दी वो बनने वाली रेसिपी है, आप इसको जरूर ट्राई करिएगा और आई होप सबको पसंद भी आएगी आपके घर में। स्लो में हम सेकेंगे तो अंदर तक कुक हो जाएगा और बिल्कुल स्लो नहीं रखना जी। आप में से किस किस ने इस कोफ्ते के बारे में सुना है कमेंट करके बताइए। हेलो सुरेंद्र जी, और ये विदाउट ग्रेवी बनाएंगे तो ये आपका एक स्नैक बन जाएगा बहुत अच्छा, उसको भी आप लोग ऐसे भी एंजॉय कर सकते हैं। देखिए मैं रेडी हो गई, सब तक हम रेडी की तैयारी कर लेते हैं। सुरिंदर कौर मैम कह रही लुकिंग डिलीशियस, थैंक यू। वाओ ये देखिए और तक कलर आ गया, इसको हम निकाल लेते हैं। रचना जैन मैम कह रही हूँ यम ये, थैंक यू। नेहा गुप्ता मैम हेलो, हेलो नेहा जी, नेहा गुप्ता मैम वेरी नाइस, थैंक यू।
करते हैं, हम लोग ग्रेवी की तैयारी करते हैं। अब इसके लिए हम एक मिक्सर ग्राइंडर में डालेंगे प्याज और टमाटर और लहसुन की कलियां। दो प्याज और दो टमाटर लिया हमने। अब इसको हम पीस लेते हैं, फिर इसमें हम बाकी सामान डालेंगे। रजिया एम लोहानी मैम कह रही है हाय मुख्तार जैन जी। हेलो रजिया मैम। जय मेडवाली मैम कह रही है ऑसम। थैंक यू जय जी। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग माय लाइव सेशन। बहुत गर्मी है, किचन में काम करना मतलब पसीने से नहाना। ये देखिए हमारे पक रहे हैं। अब इसमें हमने पीस लिया, अब इसमें हम डालेंगे देंगे अमूल का दही। एक टेबल स्पून दही। नाइस, हमारे कोफ्ते भी रेडी हो गए हैं। इसमें हम लेंगे दो टेबल स्पून मलाई। और इनको अब हम पीस लेंगे। हमारे कोफ्ते तैयार हो गए। ये देखिए ये हमारी प्यूरी पिस्ते रेडी हो गई है। अब हम इसके लिए ग्रेवी तैयार करते हैं। रजिया एम लोहानी मैम कह रही है वाओ ऑसम।
थैंक यू मैम। अभी शाही है, आप इसमें देसी घी भी डाल सकते हैं और बटर भी यूज कर सकते हैं। हम लोग थोड़ा सा बटर डालेंगे, अमूल का बटर वैसे भी हर डिश की टेस्ट बढ़ा ही देता है, तो उसका तो कोई जोड़ी नहीं है। थोड़ा सा बटर, थोड़ा सा ऑयल, जिससे हमारा बटर भी नहीं जलेगा। इसमें हम डालेंगे कुछ खड़े गर्म मसाले, ये तेज पत्ता, लौंग, काली मिर्च और जीरा। अब इसमें डालेंगे हम किचन किंग मसाला और देगी मिर्च, जिससे इसका कलर अच्छा आएगा। थोड़ा सा गरम मसाला और कसूरी मेथी, जो तेल में ही फ्राई होगी तो अच्छा टेस्ट देगी। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद हम डालेंगे अपनी प्यूरी। तेल में ही मिर्चा डालने से, देगी मिर्च डालने से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। कोई भी मसाले तेल में भूनने से इसका स्वाद वैसे बढ़ जाता है काफी। इसको हम थोड़ा सा पानी डाल दें, इसको लगातार चलाएंगे। भुन जाए अच्छे से, इसको तेज आंच में फ्राई कर लेंगे। फिर इसके बाद बाकी मसाले डालेंगे। उसमें आप पानी अपने अकॉर्डिंग डाल दीजिए, जितनी आपको ग्रेवी चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम पानी डालेंगे। बस इसको बॉईल आने देंगे,
आपको कोफ्ते के साथ क्या खाना पसंद है? आप यूजली कोफ्ता किस चीज से खाते हैं, किसके साथ खाते हैं, कमेंट करके बताइए। चावल से की रोटी से या समथिंग स्पेशल? ऐसी और भी रेसिपी के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, कुक विद नंदिनीज किचन। जाइए सब्सक्राइब करिए, आप लोगों का एक लाइक कमेंट हम लोगों को मोटिवेट करता है कुछ ना कुछ आगे करने के लिए। ये देखिए अब इसमें हम बाकी स्पाइसेस डाल देते हैं। इसमें डालेंगे नमक, काली मिर्च पाउडर, थोड़ा सा नारियल का बुरादा, इसको आप पीसने में भी ले सकते हैं नारियल के बुरादे को, इससे ग्रेवी भी हमारी थिक होती है और टेस्ट भी आता है। अब जाएगी हमारी हरे धनिया, यहाँ डालेंगे शुगर एक चम्मच, केसर वाला दूध, ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है, इससे कलर बहुत अच्छा आएगा और इसका अपना टेस्ट, सैफ्रन की खुशबू, फ्लेवर भी बहुत अच्छा आएगा। देखिए फ्रेंड्स, अब लास्ट में आप कसूरी मेथी बाद में भी डाल सकते हैं, लेकिन बाद में डालिए तो डेफिनेटली उसको रोस्ट करके ही डालिए तो उसका टेस्ट ज्यादा बढ़ता है, या आप तेल में फ्राई कर सकते हैं, तो हमने तेल में डाल दिया था पहले तो भुन गई है, उसका टेस्ट अच्छा आएगा। अब इसमें हम डालेंगे हरा धनिया, फ्रेंड्स इस रेसिपी को जरूर ट्राई करिएगा, ये आपको बहुत पसंद आने वाली है, इतनी अच्छी इसकी खुशबू आ रही है। ये देखिए तेल छोड़ने लगा है, बस मिनटों में तैयार होती है रेसिपी, ग्रेवी बनने में टाइम नहीं कुछ लगना। इसमें जाएगी थोड़ी सी नमक, सिमी बाबर हेलो, हेलो सिमी जी, कविता गोयल, वाओ सुपर डिलीशियस, थैंक यू, पारू लवाशिया मैम, लुक्स यमी, थैंक यू, सिमी बाबर मैम, यमी यमी, थैंक यू, कविता गोयल मैम, वाओ, थैंक यू। आप लोग बस ट्राई कर रही हो, हमें टैग करके बताइए, तब देखने से अलग है, खाने में उसका जो मजा आता है वो आप लोग बताएंगे खाके, तो इसको जरूर बनाइएगा, टैग करिएगा और बताइएगा आपको कैसी लगी। अब इसमें हम लास्ट में थोड़ा सा गरम मसाला डाल देते हैं, मलाई डाल देंगे, बस हमारी ग्रेवी बन के रेडी हो गई है, एक बॉईल और आ जाए।
आप इसको स्नैक की तरह बनाए ना, तो देखिए इसमें थोड़ा सा चीज डाल दीजिएगा तो और अच्छा इसका जो स्नैक पकौड़े खाने में आएंगे वो बहुत अच्छा लगेगा। इसके साथ आप पुलाव बनाइए, बहुत टेस्टी लगेगा। नान कुलचा, तंदूरी रोटी, आप इसको किसके साथ खाना पसंद करेंगे आप जल्दी से कमेंट करके बताइए, आप किस चीज के साथ इसको खाएंगे। देखिए हमारी ग्रेवी तैयार हो गई है, ऑयल रिलीज हो गया है, इट मीन्स इट्स रेडी। और इसमें हम डाल देंगे हरा धनिया, और कोफ्ते हम डालेंगे जब इसको सर्व करेंगे। अभी सर्व करके दिखाते हैं, फ्रेंड्स इसको जरूर ट्राई करिएगा, बहुत बहुत आज बहुत डिलीशियस बनी है। चलिए इसकी प्लेटिंग करते हैं। बोलो घर की मलाई की जगह आप फ्रेश क्रीम भी यूज कर सकते हैं, उसका भी टेस्ट अच्छा आएगा। चलिए हमारी रेसिपी तैयार हो गई है, इसको सर्व करते हैं। देखिए कोफ्ते भी देखिए, देखिए कितने सुंदर डिलीशियस टेस्टी लग रहे हैं, बहुत अच्छी स्मेल आ रही है। अब ये गर्मा गर्म ग्रेवी, और इसकी आप थिकनेस आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, थोड़ी सी गाढ़ी है ये, और देखिए फ्रेंड्स हमारे गर्मा गर्म जाफरानी कोफ्ता रेडी हो गए हैं। आई होप आप लोग को रेसिपी पसंद आई होगी, और पसंद आई हो तो आप लोग इसको जरूर बनाइएगा और हमें टैग करिएगा।
को आप नान के साथ ट्राई करिए, देखिए लग रही है ना बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल। और फ्रेंड्स इसको खाइए, बना के जरूर टेस्ट करिएगा, बहुत बहुत डिलीशियस लग रही है, टेस्ट भी बिल्कुल परफेक्ट है। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग माई लाइव, थैंक्स टू अभिषेक सर, दीपक मैम, दीपा मैम फॉर गिविंग अस दिस अपॉर्चुनिटी। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आगे भी इसी तरह अच्छी अच्छी रेसिपी हम लोग लाते रहेंगे। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग माई लाइव।